हिमाचल प्रदेश देव भूमि है। यहाँ के देव स्थानों के दर्शनों की अभिलाषा रखने वाला हर व्यक्ति महाभारत कालीन स्थल के रूप में विख्यात कमरूनाग जरूर जाना चाहता है। मंडी घाटी की तीसरी प्रमुख झील कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध झीलों में से एक है। यहाँ कमरूनाग देवता जी का प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ जून माह में विशाल मेला लगता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर से 51 किलोमीटर दूर करसोग घाटी में कमरूनाग झील समुद्र तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देवदार के घने जंगलों से घिरी यह झील प्रकृति प्रेमी को अभिभूत कर देती है। झील तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लुहावने दृश्य को देखकर पर्यटक अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। महाभारत के युद्ध की गाथा में एक कहानी आती है बर्बरीक अथवा बबरूभान की, जिसे रत्न यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने समय का अजय योद्धा था। उसकी भी इच्छा थी कि वह महाभारत के युद्ध में हिस्सा ले। जब उसने अपनी माता से युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा लेनी चाही तो माँ ने एक शर्त पर आज्ञा दी कि वह उस सेना की ओर से लड़ेगा जो हार रही होगी। जब इस बात का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने की ठानी। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से मिलने जा पहुंचे। उसके तरकश में सिर्फ 3 तीर देखकर श्री कृष्ण ने ठिठोली करते हुए कहा कि बस 3 ही बाणों से युद्ध करोगे। तब बर्बरीक ने बताया कि वह एक ही बाण का प्रयोग करेगा और वह भी प्रहार करने के बाद वापिस उसी के पास आ जाएगा। यदि 3 बाणों का उपयोग किया तो 3 लोगों में तबाही मच जाएगी। श्री कृष्ण ने उसे चुनौती दी कि वह सामने खड़े पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाए। जैसे ही बर्बरीक ने बाण निकाला, कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। कुछ ही क्षणों में उस बाण ने सभी पत्ते भेद कर जैसे ही वह श्री कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा तो उन्होंने जल्दी से अपना पैर हटा दिया। अब श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और दान लेने की इच्छा जाहिर की। साथ ही यह वचन भी ले लिया कि जो भी मांगेंगे बर्बरीक को देना पड़ेगा। वचन प्राप्त करते ही श्री कृष्ण ने अपना असली रूप धारण कर लिया तथा उस योद्धा का सिर मांग लिया। बर्बरीक ने एक इच्छा जाहिर की कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। तो श्री कृष्ण ने उसका कटा हुआ मस्तक युद्ध भूमि में एक ऊंची जगह पर टांग दिया जहाँ से वह युद्ध देख सके। कथा में वर्णन आता है कि बर्बरीक का सिर जिस तरफ भी घूम जाता वह सेना जीत हासिल करने लगती थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने उसका सिर पांडवों के खेमे की ओर कर दिया। पांडवों की जीत सुनिश्चित हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में श्याम खाटू के रूप में पूजे जाओगे और तुम्हारा धड़ यानी कमर कमरू के रूप में पूजनीय होगा। आज श्री खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जबकि कमर यानी धड़ पहाड़ी पर देव कमरूनाग के रूप में स्थित है। बाद में जब पांडव यहाँ से अपनी अंतिम यात्रा के दौरान गुजरे तो वे देव कमरू से मिलने के लिए रुके। जब श्री कमरू ने कहा कि उन्हें प्यास लगी है तब भीम ने अपनी हथेली का बार धरती पर किया और वहाँ एक झील उभर गई जो आज श्री कमरूनाग झील के नाम से विख्यात है। पांडवों के पास जो भी गहने थे वो इस झील में फेंक कर फूलों की घाटी की ओर प्रस्थान कर गए। यह स्थान ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आदर्श है। कमरूनाग पहुंचने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है। इस स्थान पर केवल ट्रैकिंग द्वारा पहुंचा जा सकता है। कमरूनाग झील की यात्रा करना और यहां से सुहावने दृश्यों को देखना पर्यटकों को एक खास अनुभव प्रदान करता है। कमरूनाग झील के किनारे पहाड़ी शैली में निर्मित कमरूनाग देवता जी का प्राचीन मंदिर है जहाँ पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। मेले के दौरान मंडी जिला के बड़े देव कमरूनाग के प्रति आस्था का महाकुंभ उमड़ता है। कमरूनाग मंदिर में सराना होली मेले का आयोजन होता है। नि संतान दंपतियों को संतान की चाह हो या फिर अपनों के लिए सुख शांति और सुख सुविधा की मनोती, हर श्रद्धालु के मन में कोई ना कोई कामना रहती है जो उसे मीलों पैदल चढ़ाई चढ़ाकर इस स्थान तक खींच लाती है। दूर दूर से आए लोग मनोकामना पूरी होने पर झील में करेंसी नोट अर्पित करते हैं। महिलाएं अपने सोने चांदी के जेवर झील को अर्पित कर देती हैं। देव कमरूनाग के प्रति लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि झील में सोना चांदी और मुद्रा अर्पित करने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह झील आभूषणों से भरी है। झील में अपने आराध्य के नाम से भेंट चढ़ाने का भी यह एक शुभ समय है जब देवता को कलेवा अर्थात भोग लगता है।
तभी झील में भेंट डाली जाती है। झील में करंसी, सोना, चांदी व गहने फेंके जाने का रोचक, रोमांचक व हैरत अंगेज नज़ारा यदि देखना हो तो पहली आषाढ़ को ही सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाना होगा। स्थानीय लोग कहते हैं कि झील में अरबों के जेवर है, परंतु इसके बावजूद भी सुरक्षा का कोई खास प्रबंध नहीं है। लोगों की आस्था है कि कमरू नाग जी इस खजाने की रक्षा करते हैं। देव कमरू नाग को बड़ा देव भी कहा जाता है तथा इनकी वर्षा की देवता के रूप में भी मान्यता है। सूखे की स्थिति में लोग कुल्लू, चचोट, मंडी, बल और करसोग आदि स्थानों से यहाँ आकर अच्छी वर्षा के लिए पूजा अर्चना करते हैं।